नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे उस सीरीज को लेके जो आज से शुरू हो रही है, यानी कि अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी हाँ, आज से ओडीआई मैचेस की सीरीज शुरू हो रही है। लेकिन एक चीज आपको पहले बता दूं, ये जो मैचेस होंगे ना, ये ना तो अफगानिस्तान में खेले जाएंगे और ना ही ये मैचेस साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे। तो मैचेस कहां खेले जाएंगे? ये मैचेस खेले जाएंगे यूएई, यूनाइटेड एमिरेट्स, वहां पे ये मैच खेले जाएंगे। अब जब यूएई में ये मैच खेले जाएंगे, यानी कि जो पहला ओडीआई मैच है वो कहां है? वो है शारजा, शारजा क्रिकेट स्टेडियम पे मैच होगा। अब जो शारजा के विकेट है वो किस टीम के लिए थोड़ा सा फेवर्ड होगा, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि कौन से टीम यहाँ पे ज्यादा बैटर कर सकती है। आप अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में इस माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते कि एक टीम कमजोर है और एक टीम थोड़ी सी मजबूत है। नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, और वो भी साउथ अफ्रीका जब खेले। तो आप उस माइंडसेट से मत जाइए। शारजा की विकेट किस टीम के लिए बैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि विकेट के अकॉर्डिंग आपको कैसे अपनी टीम बनानी है, कौन से प्लेयर्स आपकी टीम में होने चाहिए, किनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, किनको आप लेके जा सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आगे आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हालांकि देखिए, रेगुलर वीडियोज नहीं आ रहे, इसका रीजन आपको पता है कि रेगुलर मैचेस भी नहीं चल रहे, लेकिन जैसे ही रेगुलर मैचेस शुरू होंगे रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, और लाइक कर दो यार वीडियो को, क्योंकि आपका सपोर्ट दिख नहीं रहा है। अगर आपका सपोर्ट नहीं आएगा तो मेरे भाई फिर वही चीज है ना, का बिना सपोर्ट के तो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो अपना सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो। चलिए बात करते हैं जो फर्स्ट ओडीआई मैच होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे जुड़ने के लिए आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। देखिए, वीडियो में मैं जो आपको टीम बताऊंगा, प्रेडिक्शंस बताऊंगा, अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो इसलिए आपको बोल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना। सबसे पहले वेन्यू को लेके बात करते हैं, शारजा क्रिकेट स्टेडियम, शारजा में ये मैच खेला जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं पहली चीज, तो जो शारजा की विकेट रहती है, शारजा का पहले तो आपको वेन्यू के बारे में बता दूं, शारजा का जो वेन्यू रहता है, जो डायमेंशंस रहती है, वो थोड़ी सी छोटी है कंपैरिजन टू अदर वेन्यूज, लाइक दुबई की विकेट हो गई, या फिर एक जो और विकेट है यार, मैं उसका नाम, अबू धाबी की विकेट है, तो उसके कंपैरिजन में जो शारजा के विकेट की जो डायमेंशंस है वो थोड़ी छोटी है। यानी कि जो डायमेंशंस है ना, वो सपोर्ट करती है किसको? बैट्समैन को। लेकिन शारजा की विकेट के लिए एक चीज आपको यह भी बता दूं कि स्लोवेस्ट विकेट में शारजा की विकेट है जो कि काउंट की जाती है। स्लोवेस्ट विकेट में शारजा की जो विकेट है वो काउंट की जाती है। हालांकि ये पहला मैच होगा, तो पहले मैच में शायद उतना स्लो ना हो, लेकिन अगर ये अगेन स्लो वाइज रिएक्ट करती है तो फिर जो अफगानिस्तान टीम के स्पिनर्स है वो यहां पे बैटर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्लोवेस्ट वेन्यू में काउंटिंग में आती है शारजा की विकेट। विकेट डायमेंशंस बैट्समैन वाइज बढ़िया है, लेकिन विकेट थोड़ा स्लो रहता है जो कि स्पिनर्स को मदद कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम इज कि ये पहला मैच होगा, तो फ्लैट विकेट होता है पहले मैच में, जब यूज्ड विकेट नहीं होता तो वो थोड़ा सा फिर बैट्समैन फेवर में भी जाता है। तो वो दोनों चीजें आपको एक चीज आपको बता दूं कि टॉस के बाद जब पिच रिपोर्ट आएगी, जो करंट पिच रिपोर्ट आएगी, जो वहां पे एक्सपर्ट है वो पिच को रीड करके, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लेकिन डायमेंशंस बैट्समैन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्लोवेस्ट विकेट में ये काउंटिंग में आता है। कौन सा विकेट? शारजा क्रिकेट स्टेडियम, समझ गए। बाकी यहां पे 241 मैच खेले गए, 131 बैटिंग फर्स्ट ने, 108 चेजिंग ने, यानी कि बैटिंग करना थोड़ा सा इजी है। उसके अलावा 200 से नीचे 78 टाइम्स, 200-249-75 टाइम्स, यानी कि जो मैक्सिमम स्कोरिंग हुई है वो आप बोल सकते हो कि 300 से नीचे की हुई है, क्योंकि 300 प्लस तो केवल 18 टाइम्स बना है। तो आप सोच सकते हो कि कैसी विकेट है। बैलेंस्ड पिच 227 का एवरेज स्कोर यहां पे रहता है। बाकी आपको रिसेंट के मैचेस दिखाऊं, ये 2024 का है, अफगानिस्तान ने आयरलैंड के अगेंस्ट 263 किए, आयरलैंड 119 पे ऑल आउट हो गया। यहां पे देखोगे पेसर्स को 6, लेकिन स्पिनर्स को 12 विकेट मिली। अब यहां देखना, यहां अफगानिस्तान ने 310 कर दिए, आयरलैंड 275,
पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 4, समझ गए। यहां देखना, ये देखिए 7 मार्च यानी कि ये पहला मैच है और ये दूसरा मैच है 12 मार्च को। तो देखिए पहले मैच में और सेकंड मैच में कितना फर्क है, स्पिनर्स के विकेट का, स्पिनर्स के विकेट ज्यादा। तो ये भी एक चीज है ध्यान में रखना। ये यूएई ने 184 किए, वेस्ट इंडीज चेज कर गया, लेकिन वेस्ट इंडीज के देखिए 6 विकेट चले गए चेजिंग करते हुए, स्पिनर्स को 4, सॉरी पेसर्स को 4, स्पिनर्स को 10, यानी कि उतने रन होते तो नहीं है इस विकेट पे, लेकिन प्रॉब्लम इज कि पहला मैच है तो थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है, यानी कि 280 बना सकती है टीम। बाकी स्पिनर्स अच्छा करते हैं, चेजिंग उतना इजी नहीं होता यहां पे, समझ गए। पेसर्स को 19 विकेट मिली है फर्स्ट में, 9, सेकंड में 10, स्पिनर्स को 26 विकेट मिली है फर्स्ट में 12, सेकंड में 14, ये इक्वल साइड। पावर प्ले में क्या होता है ये भी समझ लेना, देखिए 61 पे 0, सेकंड में 36 पे 1, फर्स्ट में 37 पे 0 लेकिन सेकंड में 34 पे 2, थर्ड में 80 पे 1 लेकिन सेकंड में 78 पे 1, फर्स्ट में 84 पे 0 सेकंड में 38 पे 1, फर्स्ट में 43 पे 2 सेकंड में 50 पे 1, फर्स्ट में 51 पे 1 सेकंड में 24 पे 3, यानी कि कंपैरिजन टू फर्स्ट इनिंग्स आप देखोगे सेकंड इनिंग्स में रन्स भी कम बने हैं, सेकंड इनिंग्स में विकेट्स भी गई है। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे ग्रैंड लीग में मेरे भाई आप बहुत अच्छा कर जाओगे। और फर्स्ट मैच का तो मुझे पता नहीं, सेकंड मैच में ये शायद अगर शारजा पे मैच होता है तो वो थोड़ा सा एक अलग लेवल का मैच होगा और ये चीज आपकी बहुत मदद करेगी। 4 मैच खेले गए, 2 अफगानिस्तान ने और 2 साउथ अफ्रीका ने, इसलिए मैं आपको बोल रहा था अफगानिस्तान को आप वर्सेस साउथ अफ्रीका थोड़ा सा वीक नहीं ले सकते। हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं, ये अहमदाबाद में खेला गया था जहां पे आप देखोगे साउथ अफ्रीका ये मैच जीता था, ये देखिए कार्डिफ में खेला गया था ये मैच भी साउथ अफ्रीका ने जीता। यहां पे आप देखोगे गुरबाज 25, शाह 26, ओमर जाई ने बहुत अच्छा किया, नाबी ने अच्छा किया, राशिद खान 2 विकेट। साउथ अफ्रीका की तरफ से बूमा फ्लोप थे, मार्क्रम फ्लोप था, फेलुकायो 39+1, लुंगी गिड़ी 2 विकेट। यहां रहमशाह फ्लोप, शाहिदी फ्लोप, अखलिक फ्लोप, नाबी फ्लोप, राशिद खान ने 35 रन किए, फेलुकायो ने अच्छा किया, मार्क्रम बैटिंग वगैरह नहीं आई, कईजो रबाडा का 1 विकेट। यानी आप देखोगे राशिद खान हो गया, उसके अलावा फेलुकायो हो गया, उसके अलावा नब्बी की आए और ओमर जाई, ये 3-4 प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया है। बाकी आप देखोगे अफगानिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग लिए उनके बारे में बात करते हैं, तो रहमानुल्लाह गुरबाज और अब्दुल मलिक ये आपके लिए ओपन कर सकते हैं। रहमत शाह 1 डाउन, 2 डाउन, हसमतुल्ला शाहिदी, गुलाबदीन ने 5 पे, मोहम्मद नाबी 6 पे, अजमतुल्ला उमरजाई 7 पे, राशिद खान 8 पे, नंग्याल खरोटी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करते हैं 9 पे, फरीद अहमद बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, फजलुक फारूकी आपको 11 पे दिखेंगे। अब ओमरजाई पावर प्ले में आते हैं, फजलक फारूकी पावर प्ले में आते हैं, फरीद अहमद ये डेथ में भी आता है और फजलक फारूकी भी डेथ में आते हैं, समझ गए। बाकी गुरबाज रिसेंट नंबर आप देखोगे अच्छे हैं, हेड टू हेड 1 में 25, वेन्यू पे 2 में 86 का एवरेज है, यानी कि इस वेन्यू को रहमानुल्लाह गुरबाज पसंद करते हैं। ओडीआई करियर 40 मैच में 37 का एवरेज है, मैं लेके जाऊंगा। बैटिंग सेक्शन में अब्दुल मलिक का देखोगे तो नंबर्स एवरेज है उतने खराब नहीं, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 44 में 48 का एवरेज है, पहला मैच है तो शायद उतना फोकस नहीं करते हैं, लेकिन रहमत शाह 39, 19, 48, 49, 39, कभी कभी गेंदबाजी भी करते हैं। हेड टू हेड 2 में 16 का एवरेज, वेन्यू पे 14 में 40 का, ओवरऑल 111 में 36 का। लेकिन एक बार के लिए मैं शाह को भी बाहर रखता हूं, लेकिन शाहिदी जो कैप्टन है 78, 71, 23, 51 बढ़िया नंबर्स है। हेड टू हेड 2 मैच में 5 का एवरेज, वेन्यू पे 7 मैच में 39 का है, ओवरऑल 78 में 34। इन दोनों में से एक को ट्राई करना है। अब आप देखोगे एवरेज हेड टू हेड दोनों के खराब है, वेन्यू पे सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं तो मैं बोलूंगा कि आप एक्सपीरियंस रहमत शाह के पास है, लेकिन थोड़ी सी कंसिस्टेंसी है ना वो हसमतुल्ला शाहिदी के पास है। गुलाबदीन नेब आपको ओवर्स भी दे सकते हैं, यहाँ रिसेंट नंबर्स आप देखोगे उतने अच्छे नहीं, हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट 5 रन, वेन्यू पे 14 मैच में 25 का एवरेज 9 विकेट, ओडीआई करियर 82 में 19 का एवरेज 73 विकेट, लेके जाऊंगा। नाबी को आप ले सकते हैं लेकिन नंबर्स खराब है मोहम्मद नाबी के, हेड टू हेड 2 में 2 विकेट 1 का एवरेज है, वेन्यू पे 25 में 29 का एवरेज 35 विकेट, ओडीआई करियर 161 में 169 विकेट 27 का एवरेज, 4-5 ओवर डाल सकते हैं। उमरजाई को मैं लेके जाऊंगा, नंबर्स ठीक है, हेड टू हेड 1 में 0 विकेट 97 रन है, वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट, ओवरऑल 27 में 18। नांग्याल खरोटी, खरोटी के नंबर्स आप देखोगे तो उतने अच्छे नहीं आए, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे 1 में 4 विकेट है, ओवरऑल 1 में 4 विकेट है, एक ही मैच खेला है इसी वेन्यू पे खेला है और 4 विकेट निकाली है, ध्यान में रखना।
राशिद खान बेस्ट कैप्टन आपके लिए बन सकते हैं। राशिद खान 53+1, 2+2, 13+3 नंबर्स अच्छे, हेड टू हेड 2 में 2 विकेट, वेन्यू पे 11 में 29 विकेट है, और 103 में 183 विकेट। तो आप देखो 11 मैच में 29 विकेट, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है शारजा की विकेट, मैंने बोला स्लोवेस्ट में काउंटिंग होती है। प्रॉब्लम इज मेरे माइंड में कि ये पहला मैच है तो शायद उतनी स्लो ना हो। फरीद अहमद मलिक 2-2-0-1-0-1, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 17 में 23 विकेट, बढ़िया गेंदबाज है, ध्यान में रखना, डिफरेंशियल बन सकते हैं। फजलक फारूकी नंबर्स आप देखोगे अच्छे, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे 2 में 5, ओवरऑल 32 में 44, मैं लेके जाऊंगा फजलक फारूकी को बैंक से। देखिए बॉलिंग ऑप्शन 6 है, मेनली फारूकी, ओमरजाई, फरीद, राशिद ये रहेंगे, बाकी सातवा वो भी है, क्या नाम है उसका, गुलाबदीन नेम, वो भी करते हैं। कौन कौन कहां गेंदबाजी करता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैंस से नहीं लग रहा यहां से कोई आएगा। साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 में देखिए, सबसे पहला नाम आपको टेम्बा बुमा का दिखेगा, लेकिन ये अनवेलेबल हैं, ये आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, इसलिए साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपन कौन कर सकता है, टॉन्डी जॉर्जी और रिजा हेंड्रिक्स, फिर आपको अडेन मार्करम, ट्रिस्टियन स्टब्स, और इनके बीच में आपको जो जे स्मिथ है आपको बताऊंगा आगे, वो आपको दिख सकते हैं। काइली वेरियन की जगह कौन दिख सकता है आपको, व्यान मल्डर भी दिख सकता है, ध्यान में रखना। एंडिले फेलुक्वायो, बेजोन फॉर्चून, नांद्रे बर्गर, लुंगी इंगिडी, ऑटनिल बाटमैन, ये 11 प्लेयर्स दिखेंगे। लुंगी इंगिडी, नांद्रे बर्गर पोर्टप्ले में करते हैं, डेथ में बाटमैन आता है, नांद्रे बर्गर भी आता है, और लुंगी इंगिडी भी डेथ में गेंदबाजी करते हैं, समझ गए। ट्रिस्टियन स्टब्स की बात करते हैं, 0-39-2-40-28-76, हेड टू हेड और वेन्यू है नहीं, ओडीआई करियर 1 मैच में 6 रन है। देखिए ट्रिस्टियन स्टब्स को मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा ना, क्योंकि ट्रिस्टियन स्टब्स ने परफॉर्म किया है स्लोवेस्ट विकेट पे, ट्रिस्टियन स्टब्स ने T20 वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म किया है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। काइली वेरियन 48-77-8-5-28, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 12 में 41 का एवरेज है, यानी करियर अच्छा है, लेकिन हम सब प्लेयर को ले नहीं पाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहां से आपको ट्रिस्टियन स्टब्स सजेस्ट करूंगा। टेम्बा बुमा खेलेगा नहीं, रेजा हेंड्रिक्स 9-44-4-39-17-4-27, यानी कि बड़े नंबर नहीं, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 34 में 29 का एवरेज, लेकिन वही ओपन करेंगे टॉन्डी जॉर्जे, 25-53-6-23-22-51, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 5 में 69 का एवरेज है। अब देखो यहां दोनों में से हमें एक को ट्राई करना है, अब एक को ट्राई किसको, एक्सपीरियंस किसके पास, रेजा हेंड्रिक्स के पास, नया प्लेयर एवरेज टॉन्डी जॉर्जी। अब टॉन्डी जॉर्जी थोड़ा सा है ना वो स्लोवेस्ट खेलते हैं, लेकिन रन्स करने के चांसेस बनते हैं, तो इसलिए आप रेजा हेंड्रिक्स की जगह टॉन्डी जॉर्जी को अपनी टीम में रख सकते हैं, समझ गए। मार्करम ऑफ कोर्स है, आपको लेना है, नंबर्स अच्छे नहीं है, हेड टू हेड 2 में 25 का एवरेज, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 68 में 36 का एवरेज, 18 विकेट है। फेलुक्वायो को मैं लूंगा क्योंकि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देते हैं, हेड टू हेड 2 में 3 विकेट, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 78 में 91 विकेट रहती है। बाकी फॉर्चून देखो, साउथ अफ्रीकन टीम में राइट हैंड बैट्समैन थोड़े से ज्यादा है, गुरबाज हो गया, उसके अलावा अगर आप देखोगे रहमत जो शाहिदी है वो एक लेफ्ट हैंडी है, बाकी राइट हैंड बैट्समैन है, तो वहां पे फॉर्चून बनते हैं, हालांकि नंबर्स अच्छे नहीं, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 5 में 6 विकेट। नांद्रे बर्गर नंबर्स उतने अच्छे नहीं, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 3 में 5। बाटमैन नंबर्स ठीक है, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 42 में 61 विकेट है, लेकिन मैं बाटमैन को लेके जाऊंगा। लुंगी इंगिडी भी मेरी टीम में बन सकते हैं, हालांकि उतने अच्छे नंबर्स नहीं, हेड टू हेड 1 में 2, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 56 में 88। तो एक बार के लिए फॉर्च्यून और बाटमैन ये मेरे लिए 2 है, बाकी लुंगी इंगिडी लेके जा सकते हो, बॉलिंग ऑप्शन इनके पास 6 है। स्टार्टिंग में नांद्रे बर्गर, फॉर्च्यून, लुंगी इंगिडी करते हैं, डेथ में बाटमैन, एंडिले फेलुक्वायो डेथ में आ सकता है, ध्यान में रखना। अब ये जैसन स्मिथ की मैं बात कर रहा था, जो आपको मिडिल ओवर्स में दिख सकता है, जिनके 65 मैच में 34 का एवरेज है, ध्यान में रखना जैसन स्मिथ। बाकी प्लेयर्स बैटर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ज्यादा मैच है नहीं, रहमत शाह को एक बार आउट किया लुंगी इंगिडी ने, असमत शाहिदी को, फेलुक्वायो ने एक बार, मोहम्मद नाबी को आप देखोगे तो एक बार लुंगी इंगिडी ने, एक बार फेलुक्वायो ने। यहां देखोगे टेम्बा का कोई मैचअप नहीं, रिजा का नहीं, टॉन्डी का नहीं, अडेन मार्करम, राशिद खान ने एक बार किया, ट्रस्टन स्टब्स का नहीं, काली वेरियन का नहीं,
यानी चीजें प्लेयर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी बीच में क्या क्या करना है। तो प्लेयर्स बैटल ज्यादा कुछ है नहीं, तो आपको कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टीम की बात कर लेते हैं, तो मैंने गुरबाज को रखा, मैंने ट्रिस्टियन स्टब्स को रखा है, रिजा हेनरिक्स को मैंने रखा है, लेकिन मैंने आपको वीडियो में एक चीज बोली है, यहाँ पे टीम में रिजा हेनरिक्स है लेकिन टिंडी जॉर्जी जॉर्जी आपके लिए इससे बेटर पिक बन सकती है। मार्करम एज ए वाइस कैप्टन नाबी है, ओमर जाई है, गुलाबदीन नैब है, फैलुकवायो है, राशिद खान एज ए कैप्टन, लुंगी इंगेडी है और फजलक फारूकी। अब लुंगी इंगेडी की जगह आप या तो बैटमैन ले सकते हो, या आप किसको ले सकते हो, फॉर्च्यून को ले सकते हो, या फिर अगर आपको गुलाबदीन नेब, मोहम्मद नाबी, ट्रस्टियन स्टब्स इन तीनों में से किसी को भी दो को ड्रॉप करके आपको बैटमैन प्लस फॉर्च्यून दोनों लेने पड़े तो भी आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सेकंड मैच में तो एकदम बिंदास ले सकते हो, ये पहला मैच है तो थोड़ा सा मैं भी देखूंगा फाइनल टाइम पे क्या पिच रिपोर्ट आती है। इस टीम के साथ कॉन्टेंट ज्वाइन कीजिए, अगर इसमें कोई भी चेंजेस होंगे वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।